अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो नया चैप्टर है वो है जी डेटा एंड प्राइवेसी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपने डेटा से रिलेटेड चीज़ें और उसके अलावा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, अपने डेटा की सेफ्टी के बारे में कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड होने वाले कुछ रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी, उसमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे जी व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, और उसमें सबसे पहला जो एथिकल इशू है कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, इनके बारे में हम देखते हैं कि जी ये चीज़ें क्या होती है और उसके अलावा ऑनलाइन पायरेसी की एक शॉर्ट टर्म है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए जानते हैं ये टर्म्स, ये टॉपिक क्या है। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो डाटा एंड सिक्योरिटी के अंदर हम लोग अपनी डाटा की सिक्योरिटी के बारे में, उसकी प्राइवेसी के बारे में, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे क्या हमारे पास एथिकल इश्यूज होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर या वर्ल्ड वाइड जो भी इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखी जाए तो डाटा एंड प्राइवेसी क्या है, हमारे डाटा की प्राइवेसी, हमारे डाटा की प्राइवेसी को मेंटेन करना क्या कहलाएगा डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, डाटा की प्राइवेसी मीन्स के डाटा को सीक्रेट रखना, मीन्स के हम अगर किसी स्कूल में जाते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए, किसी एकेडमी के अंदर एडमिशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिशन के लिए, किसी campus.pt की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए, फेसबुक की रजिस्ट्रेशन के लिए, इंस्टाग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के लिए जाते हैं, सपोज उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, किसी लैब के अंदर अपनी को रिपोर्ट करवा रहे हैं हम, या किसी शॉपिंग मॉल में अपना कार्ड देकर वहां से शॉपिंग कर रहे हैं, ये सारे काम, इन सब चीज़ों में हम एक एज अ यूजर हम लोग ये वहां से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा डाटा जो है उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मीन्स के पेशेंट की कुछ प्राइवेट, कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें उसको जो लोगों को उनसे आगाह नहीं करना, मतलब वो डाटा हमारा लीक नहीं होना चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो हमारा अपना नंबर है वहां पे, घर का एड्रेस है हमारा, कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन है हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, तो हम इन ऑर्गेनाइजेशन से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, ऑर्गेनाइजेशन से, campus.pk से एंड डिफरेंट मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशन से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि वो हमारा डाटा कभी भी लीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो डाटा लीक होता है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ एथिकल इशू। इसको एथिकल इशू के नाम से जाना जाता है, दैट इज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो एथिकल इशूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी क्या हो सकते हैं जी, कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, डाटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड एथिकल इशूज कौन से हैं। उनमें से सबसे पहला जो एथिकल इशू है जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि भी कॉन्फिडेंशियलिटी ये फर्स्ट इशू है हमारा एथिकल इशू। ठीक है जी, बाकी हम अपने नेक्स्ट किसी टॉपिक में कवर करेंगे। तो एथिकल इशू में सबसे पहला कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स के डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की प्राइवेसी, आप कह सकते हैं इट इज कॉल्ड एज डेटा प्राइवेसी, इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा सिक्योरिटी। अगर ये सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती तो डेफिनेटली हमारे डाटा को इश्यू आएगा, हमारे डाटा को कोई हार्मफुल यूजर अटैक करता है सपोज, वो उससे मुख्तलिफ किस्म के जो नुकसान है हमें कर सकता है। अगर मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंच जाती है, डेफिनेटली वो मुझसे अगर फर्स्ट के किसी भी हद तक मेंटली, फिजिकली या मुझे वो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली अगर नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो पहुंचा सकता है। अगर आप लोगों का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ है, मींस कि हमारा फेसबुक का डाटा है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डाटा है, हमने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपने पोर्टल्स बनाए हुए हैं, अपने अपने प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, अगर वो हमारा डाटा किसी के साथ शेयर करते हैं, हमारा बैंक है, हमारा स्कूल है, हमारा हॉस्पिटल है, अगर ये सारे हमारा डाटा लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दें, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करना शुरू कर दे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। डेफिनेटली हमें भी उस चीज़ से अजीब सी एलर्जी होगी। तो ये बेसिकली हमारी जो सोसाइटी के अंदर है कुछ एथिकल इश्यूज हैं, और उसमें एथिकल इश्यूज में फर्दर कौन कौन से इश्यूज हमारे पास पाए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जी पायरेसी का। अभी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी के टॉपिक के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है पायरेसी। पायरेसी सिंपल क्या होता है, इलीगल मीन्स में सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, इलीगल मीन्स में, इलीगल मेथड्स के साथ, मीन्स के एक सॉफ्टवेयर है उसकी एक ही बेसिकली क्रैकिंग की है जिसमें 4 digits, आपको बुक के ऊपर वो शो भी हो रही होगी पिक्चर जिसमें 4 digits उसका कोड होता है। तो भाई वो 4 digit कोड के अलावा अगर तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ही बंदे को वो की दी है तो डेफिनेटली वही उसका यूजर है असल में, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के साथ शेयर करता है तो डेफिनेटली ये गलत है। और इस वे में, इस तरीके से इलीगल मींस के साथ उसकी कॉपीज जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेसी। इलीगल मींस के साथ
The process of illegal means in which you download or sell the software या copy of a software भी आप कह सकते हैं, तो it is called as a piracy. इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट लिफ्टिंग का. सॉफ्ट लिफ्टिंग एक ऐसी टर्म है बेसिकली जो ये डिनोट कर रही है कि जी बेसिकली अगर कोई कोलीग, मेरा कोई कोलीग है सपोज मेरे साथ काम कर रहा है, उसने मुझे विंडोज की कॉपीज करके दे दी, उसने उसके पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था, उसने वो मुझे सॉफ्टवेयर कॉपी करके दे दिया, तो मैंने अगर अपने किसी दोस्त, अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी कोलीग से इस तरह से अगर कॉपीज लेना शुरू कर दी, इसको कंप्यूटर की टर्म में बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग. दैट इज प्रॉपर वे में आप कह सकते हैं कि दैट इज एथिकली रॉन्ग, वो गलत है, वो सही नहीं है. हम किसी को कॉपीज अगर जनरेट करके देते हैं उसको या वहां से लेते हैं तो ये बिल्कुल चीज गलत है. आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके भी हाथ पे आपको यकीन करके वो आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने कहा यार मेरे दोस्त का भी भला हो जाएगा, मैं ये कॉपी करके ना उसको दे देता हूँ. आपने कॉपी किया, खुद भी सुना, उसको भी दे दिया, जबकि उसने उसके लिए पे नहीं किया हुआ कुछ. एथिकली गलत है, करते हैं, सब करते हैं, सोसाइटी में चलता है, लेकिन ये एथिकली गलत है, सिंपल सी बात. नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर हमारे पास क्लाइंट सर्वर ओवरयूज. व्हाट इज क्लाइंट सर्वर ओवरयूज? देखा जाए तो क्लाइंट सर्वर की टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं जी कि बेसिकली इसमें एक स्मॉल कंप्यूटर है जो कि एक बड़े लार्जर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और वो कंप्यूटर के पास अथॉरिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो इसके इश्यूज को रिजोल्व कर सकता है. ठीक है जी, तो अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लाइंट सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर की कॉपी दे दी, मीन्स के सॉफ्टवेयर दे दिया, उसके लिए उन्होंने चार्ज किया, सॉफ्टवेयर दे दिया, लेकिन अगर हम उसकी ज्यादा कॉपीज, जितने के हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है, उससे ज्यादा कॉपीज अगर हम उसकी बनाकर जनरेट करके बेचना शुरू कर देंगे, उसको क्लाइंट सर्वर ओवरयूज कहा जाता है. स्टूडेंट्स जैसे कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, जितना आपके पास लाइसेंस नहीं है उससे ज्यादा आप कॉपीज जनरेट करो, तो ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर ओवरयूज कहलाता है. उसके बाद है जी हार्ड डिस्क लोडिंग. हार्ड डिस्क लोडिंग मीन्स के एक हार्ड डिस्क के ऊपर आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, उसके ऊपर उसकी डिफरेंट कॉपीज जनरेट की. टर्म तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन इसमें ये होता है कि जितने भी हमारे मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरर हैं जो कंप्यूटर्स को बेचते हैं, हार्ड डिस्क को बेचते हैं, सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि हार्ड डिस्क के ऊपर एक हार्ड डिस्क ली, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल कॉपी परचेज की. ओरिजिनल कॉपी मीन्स क्या, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, वो इंस्टॉल किया, उसकी कॉपीज जनरेट करना हार्ड डिस्क के ऊपर शुरू कर दी, एंड देन उनको बारी बारी बेचना शुरू कर दिया और उसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, तो ये कहलाता है जी हार्ड डिस्क लोडिंग. आप लोगों ने एक कॉपी ली है तो एक ही बेच सकते हैं और एक ही आप यहाँ खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को कॉपीज जनरेट कर करके आप नहीं दे सकते. दैट इज एथिकली रॉन्ग, ये भी एक एथिकल इशू है. और उसके अलावा है जी काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग होता है कि जब हमारे पास एक चीज का या किसी के पास एक चीज का कॉपीराइट है. कॉपीराइट होता है कि जी आप उस चीज़ की कॉपी जनरेट नहीं कर सकते. अगर मेरे पास campus.pk का हमारे पास कॉपीराइट है तो उसका मतलब है कि कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन campus.pk के नाम से वेबसाइट नहीं बना सकती, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं की जा सकती इसी नाम से. इस तरह की जा सकती है लेकिन इस नाम से नहीं की जा सकती. ठीक है जी, तो उसको कहते हैं काउंटरफिटिंग. एक चीज़ का कॉपीराइट लॉ है लेकिन आप उसको अपोज कर रहे हो, आप उसके खिलाफ जा रहे हो, दैट इज एथिकली रॉन्ग. ये क्राइम है, ये नुकसान है, ये जुर्म है बेसिकली आप कह सकते हैं. ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एज अ काउंटरफिटिंग. इसमें लास्ट टर्म है हमारे पास ऑनलाइन पायरेसी. अब देखिए आपने टॉप पे भी पढ़ा पायरेसी और अब फिर एक टर्म आ गई पायरेसी की. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पायरेसी बेसिकली इलीगल मींस में सॉफ्टवेयर की कॉपी करना है. वो यूएसबी से भी हो सकता है, वो किसी के सिस्टम से आपने निकाल लिया, डिस्क के जरिए से निकाल लिया, या जैसे भी. लेकिन ऑनलाइन पायरेसी में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट. इट मींस दैट कि अगर हम इंटरनेट से, फ्रॉम द इंटरनेट अगर हम कॉपीज को सेल करते हैं, जनरेट करते हैं, कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑनलाइन पायरेसी. ये थी जी कुछ टर्म्स. शॉर्ट में क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई से दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो उनको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है. अदरवाइज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी अगर कंप्लीट हेडिंग आती है तो इट विल बी अ लॉन्ग. तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.